हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेज पुलाव बनाने वाले हैं और देखिए इसमें हम डालेंगे ढेर सारी वेजिटेबल्स। आज हम बनाने वाले हैं न्यूट्रिशियस वेज पुलाव। ये बासमती चावल है, इसको अच्छे से धोकर आधा घंटे के लिए भिगो कर रख लिया है। और ये है सोयाबीन की बड़ी, या इसे सोया चंक्स भी कहते हैं। इसको थोड़ी हल्दी और नमक डालकर बॉईल कर लिया है। तो ये है सोया चंक्स जिसको हमने बॉईल कर लिया है, बासमती चावल हमने भिगो के रख लिया है। तो देखिए सब्जियों में क्या क्या है। हरी मिर्च 2-3 लंबे टुकड़ों में कटी हुई, एक प्याज बारीक कटा हुआ, अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ, गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी छोटे टुकड़े में काट लेंगे और टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। साथ ही कुछ खड़े मसाले चाहिए, राई, हरी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा और तेज पत्ता। तो ये मसाले, ये वेजिटेबल्स, राइस और ये सोया चंक्स सब रेडी है। आइए अब हम आपको बताएंगे कि पुलाव कैसे बनाया जाता है। गैस पर कुकर गर्म करेंगे, इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। जो तेल आपको पसंद है वो तेल आप इस्तेमाल कीजिए। तो ये तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हो गया है बढ़िया गर्म। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे खड़े मसाले में तेज पत्ता। तेज पत्ता के बाद इसमें हम डाल देंगे दालचीनी और अब डाल देंगे इसमें हम लौंग। लौंग के साथ ही इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च और अब हम इसमें डाल देंगे राई। ये देखिए राई अच्छे से चटकने लगी है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी इलायची और जीरा। इसे थोड़ी देर हम चटकने देंगे जीरा को। तो ये सारे खड़े मसाले हमने तेल में डाल दिए हैं, बढ़िया फ्राई हो रहे हैं और इसकी खुशबू, इसकी महक चारों तरफ फैलने लगी है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन और साथ ही लंबे टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्चें और छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। तो प्याज, अदरक लहसुन और हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे। इनको करीब हमें आधा मिनट पकाना है। इसे अच्छे से चला लेंगे देखिए और इसे करीब आधा मिनट तक हम फ्राई होने देंगे। ये देखिए तेल में बढ़िया प्याज मिर्ची फ्राई हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए प्याज, मिर्च, अदरक लहसुन और सारे खड़े मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्चें और बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। तो ये सारी सब्जियां हमने कुकर में डाल दिया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे थोड़ी देर, करीब आधा मिनट एक मिनट इसको बढ़िया तेल में फ्राई होने देंगे। अब ये देखिए एक मिनट हमने इसे बढ़िया तेल में फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे ये बारीक कटा हुआ टमाटर। तो ये टमाटर भी हमने इसमें डाल दिया और अब वक्त है इसमें सोया चंक्स मिलाने का। तो ये जो सोयाबीन की बड़ी होती है या सोया चंक्स, इसको हमने नमक और हल्दी डाल के पहले बॉईल कर लिया और उसका पानी निकाल लिया। तो ये सोया चंक्स अब हम इसमें मिला देंगे। ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है, इसमें बहुत हाई प्रोटीन होता है। तो ये हमने सारी सामग्री मिला दी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब वक्त है मसाले का। 1/4 चम्मच डाल देंगे हम हल्दी पाउडर, स्वादानुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच ही हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हरी मिर्च हम पहले ही डाल चुके हैं इसलिए लाल मिर्च हम कम डालेंगे।
अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये बासमती चावल है, हमने आधा घंटा भिगो लिया था और उसको हमने पानी निथार लिया है पूरा। और अब ये धुले हुए चावल जो आधा घंटा हमने भिगो लिए थे, इसको अब हम इस कुकर में डाल देंगे। आप चाहे तो रेगुलर चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे चावल देखिए हमने कुकर में डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर बासमती चावल ना हो तो आप चाहे तो आप डेली जो चावल खाते हैं आप वो चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको सिंपल पुलाव बनाना है। तो ये चावल हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। सारे वेजिटेबल्स के साथ वेजिटेबल्स और राइस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर दिख रहा है, न्यूट्रिशियस वेजिटेबल पुलाव बन रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे किचन किंग मसाला। जी हाँ, तो थोड़ा सा हमने इसमें किचन किंग मसाला मिला दिया, इससे पुलाव का स्वाद बेहतरीन हो जाएगा। और अब वक्त है इसमें केवड़ा एसेंस डालने का। तो इसमें हम 3-4 बूंदे केवड़ा एसेंस डाल देंगे। ये देखिए केवड़ा एसेंस है और हम इसकी 3-4 बूंदे इसमें डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया महक आ रही है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तो जो बच्चे सब्जी नहीं खाते वो ये पुलाव बड़े चाव के साथ खा लेते हैं और साथ ही खा लेते हैं न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स और प्रोटीन से भरपूर सोया चंक्स भी। और अब वक्त है इसमें पानी डालने का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें पानी डाल दिया, ये एक ग्लास, ये दूसरा ग्लास पानी। और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि पानी नीचे बॉटम तक पहुंच जाए। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 ग्लास पानी, तो आधा ग्लास पानी की और ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने आधा ग्लास और मिला दिया, टोटल मिला के हमने 2.5 ग्लास पानी डाला है। ये देखिए, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं इसलिए पानी थोड़ा सा कम लगता है। अब हम कुकर कर देंगे बंद और इसको हम मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे 2 सीटी तक। बस 2 सीटी हो गई और आपका गर्मा गर्म पुलाव तैयार हो जाएगा। जैसे ही 2 सीटी हो जाती है हम आपको दिखाएंगे कि पुलाव कैसा बना। 2 सीटी हो जाने के बाद गैस बंद कर देंगे और कुकर को हम ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए, 2 सीटी के बाद गैस को हमने बंद कर दिया, कुकर को ठंडा होने दिया और इसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया मिला दिया है। तो लीजिए, पेश है गर्मा गर्म खुशबूदार टेस्टी एंड हेल्दी पुलाव। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और बुरक दीजिए। लीजिए पुलाव का आनंद लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, रेसिपी पसंद आई है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।